फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी रेयर और काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है और उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे इस टॉपिक पर बहुत से सवाल पूछे, जिसको देखते हुए मैंने सोचा कि आप सबको इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं CMS ED के बारे में, दैट इज़ कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं इन आवश्यक औषधि। सो इसी को लेकर आज लेकर आए हैं हम आपके लिए एक और एक्सपर्ट जो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं और आज भी हमारी हेल्प करने वाले हैं इस टॉपिक को लेकर, द CEO ऑफ कॉलेज विद्या एंड ब्लैक बोर्ड एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, मिस्टर मयंक गुप्ता जी, जो आपको बताएंगे इस टॉपिक के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल, किसको करना चाहिए, CMS ED क्या होता है और इसका CMO से क्या रिलेशन है और आप कहाँ से करेंगे तो आपकी जो डिप्लोमा है वो वैलिड होगा, और इससे रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब आज इस टॉपिक इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड एक्सपर्ट्स की राय विद मिस्टर मयंक गुप्ता जी। तो सर, सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन कि ये CMS ED है क्या? ओके, वेल, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड ए वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, सिंस ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही विवादों में रहा और क्लियरिटी पे हमेशा क्वेश्चन रहा इस प्रोग्राम के, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पे बहुत क्लियरिटी देने की। तो लगता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है ये। हाँ, वही मैंने कहा कि विवादों में रहा ये प्रोग्राम, कोर्ट भी बहुत लोग गए, आज भी कोर्ट में है, उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपने पूछा व्हाट इज CMS ED, तो इस प्रोग्राम का पूरा नाम है कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स। जैसा कि प्रोग्राम का नाम ही बताता है कि कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज, जो एक समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं दे और ज़रूरी दवाओं का वितरण करे। यह प्रोग्राम बनाया गया यह चीज़ ध्यान में रख कर के कि जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा रूरल एरिया है, वहाँ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, लैकनेस है, तो उन एरियाज के लिए एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स क्रिएट हो सकें जो एक प्राथमिक उपचार वहीं पे मुहैया करवा सकें। इस प्रोग्राम की जो डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट भी है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक की गई है कि इसमें एनाटोमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, अब जैसे मैं बताता हूँ एनाटोमी क्या है कि जो एक ह्यूमन कॉम्पोजिशन, ह्यूमन एलिमेंट्स को पढ़ना, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, अब फिजियोलॉजी की अब ये सेल्स टिश्यूज ये फंक्शन कैसे करते हैं, पैथोलॉजी की किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई डायग्नोस कैसे किया जाए, ह्यूमन हाइजीन एंड हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, आफ्टर दैट फार्माकोलॉजी की दवाइयाँ कैसे बनती हैं और दवाइयों का क्या इफ़ेक्ट होता है लिविंग बींग्स पे, ह्यूमन बींग्स पे। तो जो इस प्रोग्राम के कंटेंट्स भी हैं वो इसी चीज़ को ध्यान रख करके बनाए गए हैं कि जो भी इस प्रोग्राम को करे वो एक बेसिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं वितरण कर सके। ओके, सो दैट मींस कि सर जो भी ये प्रोग्राम करता है वो अपना क्लिनिक खोल सकता है। ओके, नो, अब क्लिनिक और एक हेल्थ केयर सेंटर में बड़ा अंतर है। क्लिनिक के लिए अपने देश में एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और वो उस एक्ट की कुछ अपनी प्रोविजंस हैं, शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, जो कि CMS ED प्रोग्राम करके जो स्टूडेंट बाहर निकलेगा वो क्लिनिक नहीं ओपन कर सकता है। बट यस, वो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर यानी कि एक प्राथमिक उपचार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र को जरूर बना सकता है, बट नॉट क्लिनिक। यस। और सर इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि क्या मैंने CMS ED करा तो मैं डॉक्टर लगा सकते हो अपने नाम के आगे? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। प्राथमिक उपचार देने का मतलब यह नहीं है कि हम या आप या स्टूडेंट डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर एक बहुत डिफरेंट प्रोग्राम है जो कि MBBS करके बच्चा डॉक्टर बनता है, या BDS या BUHMS या BAMS करके डॉक्टर लगा सकता है। तो नो, डॉक्टर नहीं बनता है ना डॉक्टर लगा सकता है। बट यस, जो एक उनके लिए, इन बच्चों के लिए एक सेट परिभाषा है
जिन नाम से इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, जो एक कम्युनिटी में स्वास्थ्य सेवाएं हेल्थ के लिए काम करते हैं, जो बेसिक उपचार वहाँ पे मुहैया करवा पाते हैं, जहाँ डॉक्टर्स की वाकई में कमी है। अब देखिए, हॉस्पिटल्स तो फिर भी बन जाते हैं, इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट डॉक्टर्स कहाँ से हम लाएंगे एक एक रूरल क्षेत्रों के लिए जी। तो उन एरियाज में ये लोग बहुत ही एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। प्लीज समाज के लिए काम किया जाए वो सोशल वर्क में आता है, तो ये स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, कोई सोशल समाज के लिए जो काम करते हैं, कोई खाना देते हैं, कोई कपड़ा देते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, तो ये सोशल वर्कर भी है, बट इनके लिए जो राइट चीज है वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है। सर आपने बताया कि ये जो प्रोग्राम है इसको करके वो लोग प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। जी जी जी। तो किस तरीके के ये ट्रीटमेंट्स वगैरह कर सकते हैं? ओके, देखिए, उपचार से पहले ही इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि पूरे समुदाय को, पूरी कम्युनिटी को एक हेल्थ और हाइजीन के बारे में हमेशा अवगत करवाता रहे, जानकारी देता रहे। तो और प्राथमिक उपचार जैसे कि नॉर्मल केयर ऑफ द वीमेन्स ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, आफ्टर देयर प्रेगनेंसी, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड फीडिंग, अपना नॉर्मल फीवर, कफ, स्नेक बाइट्स, इंसेक्ट बाइट्स, फर्स्ट एड में बैंडेज कर देना, और अपना टेम्परेचर को कैसे लेकर के किस तरीके की इसे जरूरी दवाई दे देना, तो बहुत ही बेसिक तरीके के उपचार यह दे सकते हैं। और हमने बताया जरूरी दवाएं का, ये दवाएं को भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, तो एक इसेंशियल ड्रग्स, जरूरी दवाओं की एक लिस्ट जारी होती है, जो कि WHO से भी होती है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी होती है। वो बड़ी जनरल एलोपैथिक मेडिसिन होती है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, बहुत नॉर्मल जिसमें कॉम्पोजिशन केमिकल्स की होती है, वो ये दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। okay. yeah. सर ये जो आपने जितने भी मुझे आंसर्स दिए उससे मुझे लग रहा है कि मतलब आई एम अग्रीड कि ये बिल्कुल आपका लीगल कोर्स है, बट स्टिल जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें इसके साथ रही हैं, तो सर उससे कुछ लीगल नोटिसेस वगैरह भी आए होंगे सुप्रीम कोर्ट या किसी के, तो सर उनके बारे में? अच्छा, पहले तो मैं ये क्लियर करता हूँ, जो आपने मेरी बातों से एक तो विश्वास किया कि यह प्रोग्राम 100% लीगल है, तो रेस्ट एश्योर्ड, और आप अपने सारे स्टूडेंट्स को अश्योर कीजिए कि 100% लीगल है। आपने कंट्रोवर्सीज़ की, और मैंने खुद भी बात करी कि कंट्रोवर्सीज़ में रहा ये प्रोग्राम, तो इसमें एक लीगल केस स्टार्ट हुआ था बहुत टाइम पहले वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में, जो कि स्टूडेंट वर्सेस वहाँ की एक पैरामेडिकल काउंसिल थी, जिसको हम बोलते थे वेस्ट बंगाल पैरामेडिकल काउंसिल। तो ऑर्डर स्टूडेंट के फेवर में आया कि डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेडिसिन प्रोग्राम करके स्टूडेंट्स बेसिक उपचार कर सकते हैं, बट वो ऑर्डर कुछ लिमिटेशंस के साथ आया था, फॉर एग्जांपल दवाइयां प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट्स इशू नहीं कर सकते, और भी कुछ उसमें लिमिटेशंस थी। उस सेम केस को फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई कि भाई जब उपचार कर रहे हैं तो दवाइयां भी प्रेस्क्राइब करने का हमको अधिकार होना चाहिए। तो 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया स्टूडेंट और स्टूडेंटों के हक में, कि उपचार को और दवाइयों के प्रेस्क्रिप्शन को दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, दोनों एक ही चीज़ है। लिहाजा जो ये कैंडिडेट्स डिप्लोमा होल्डर हैं कम्युनिटी मेडिसिन प्रोग्राम करके, यह स्टूडेंट्स उपचार के साथ साथ दवाइयां भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। मैं इससे रिलेटेड आपको एक और बात बताता हूँ, यह प्रोग्राम आज से 20-30 साल पहले जब चलता था तो ये बड़ा सिंपल, इसका नाम था CMS, कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज और डिप्लोमा इन मेडिसिन फॉर कम्युनिटी। ओके, जब इसमें दवाइयों 2003 में जब फैसला आया कि दवाइयों को प्रेस्क्राइब भी कर सकते हैं, तो इसी प्रोग्राम को एक एक्सपेंशन या एक्सटेंशन मिल गया, जिसको हम इसेंशियल ड्रग बोलते हैं।
तो कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग, सो इट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि ये प्रोग्राम एक्सपैंड होकर के कंप्लीट प्रोग्राम हो गया कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स। तो 100% दिस प्रोग्राम इज़ लीगल, बशर्ते आपने इस प्रोग्राम को करेक्ट जगह से किया हो और करेक्ट तरीके से किया हो। यस सो सर, आपने बताया कि करेक्ट जगह से करना चाहिए। यस यस यस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्या बोलते हैं एनजीओस, यस यस यस, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह ये सब करवा रहे हैं। हाँ जी, प्रोग्राम को। हाँ जी। तो सर एक्चुअल में ये कहाँ से करना चाहिए और अगर हम यहाँ से करते हैं तो ये वैलिड होगा या नहीं? ओके पूजा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इनफैक्ट सारे स्टूडेंटों के लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको एनजीओ बोलते हैं या फिर गैर सरकारी संस्था जिनको सोसाइटी बोलते हैं, तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं जो कि बहुत प्रचार करते हैं कि CMS एंड ED हमारे यहाँ से कीजिए। आपने पूछा लीगल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भी लीगल ये नहीं होगा। इट विल एब्सोल्युटली इलीगल टू हैव ए सर्टिफिकेशन फ्रॉम सच इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। मैं अपने शोज में पहले भी कई बार बताया है स्टूडेंट्स को कि डिप्लोमा या डिग्रीज अवार्ड करने की जो पावर है केवल हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ आर एम्पावर्ड किसी भी प्रकार का डिप्लोमा या डिग्री अवार्ड करने के लिए। कोर्ट के ऑर्डर में भी क्लियर लिखा गया है कि डिप्लोमा होल्डर्स, नॉट ए कागज होल्डर्स। जो आप लोगों को सोसाइटी एनजीओ से मिलेगा वो एक कागज मिलेगा। आप वही मैंने बोला एब्सोल्युटली प्रोग्राम लीगल कब है, जब सही जगह से और सही तरीके से किया गया हो। तो मेरी ये सारे स्टूडेंट्स को हिदायत है कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या एनजीओ या सोसाइटी से इन प्रोग्राम्स को ना किया जाए, केवल UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ से ही इस डिप्लोमा प्रोग्राम को किया जाए, इन ऑर्डर टू हैव ए करेक्ट सर्टिफिकेशन डिप्लोमा एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू हैव ए करेक्ट नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ दिस प्रोग्राम, बिकॉज यह प्रोग्राम एक सीरियस प्रोग्राम है। आप भला इसे बेसिक उपचार देंगे लेकिन वो बेसिक उपचार भी देना बहुत आवश्यक है, और गलत उपचार दे देते हैं तो फिर तो आपके पास इवन चाहे अगर MBBS डॉक्टर गलत उपचार दे दे तो उसको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो लेकिन बेसिक नॉलेज और स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अगर आप सही जगह से करेंगे तो ही आप वो नॉलेज और स्किल्स ले पाएंगे। यदि अगर आप केवल ये इन NGO या सोसाइटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इस डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं, सिर्फ खरीद लेते हैं, तो वो आपके किसी काम नहीं आएगा। इट विल बी जस्ट लाइक हैविंग ए नकली नोट इन आवर पॉकेट। अब आप देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में करेंसी या फिर 500 के या 1000 के नोट छापने की ताकत किसको है? ऑब्वियसली RBI को है जी। अगर आप हम इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट NGO, सोसाइटीज छापना शुरू कर दें और बांटना शुरू कर दें तो क्या वो असली हो जाएंगे? नहीं। क्या वो चल पाएंगे? तो आप ये समझ लीजिए कि वो नकली नोट की तरह है आपके पास, अगर आपने डिप्लोमा यह सोसाइटी NGO से किया है। तो मेरी ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है स्टूडेंट्स को, करेक्ट यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और सही तरीके से। तो सर मतलब अगर मुझे ये प्रोग्राम करना है yes. तो मुझे एक यूनिवर्सिटी से ही करना है? बिल्कुल बिल्कुल। आपका मतलब यही है मैं किसी भी NGO या प्राइवेट इंस्टीट्यूट या सोसाइटी कोई कहीं कोई से सेंस प्रोग्राम है। को नहीं करूं। yes. और सर अब जब हम यूनिवर्सिटी से करते हैं तो हजारों तरीके की यूनिवर्सिटीज भी है, तो वो एक सही यूनिवर्सिटी कैसे पता करें? देखिए मैंने कई बार स्टूडेंट्स को अपने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ को जो रेगुलेट करती है हमारे देश में वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक एपेक्स बॉडी है। स्टूडेंट्स उनकी वेबसाइट पर जाकर के यूनिवर्सिटी की ऑथोराइजेशन अप्रूवल्स को देख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ठीक है यूनिवर्सिटीज़ तो जो है वो अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड। अब जब ये CMS ED प्रोग्राम की बात आती है तो आपने यह ज़रूर देखना है कि क्योंकि यह प्रोग्राम एक मेडिकल प्रोग्राम है, हेल्थ एजुकेशन का प्रोग्राम है, तो ज़्यादा बेटर है यदि अगर यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो तो यह प्रोग्राम वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। तीसरी चीज़,
क्योंकि इस प्रोग्राम में एक इंटर्नशिप का कंपोनेंट होता है. आपने सुना होगा ना, जैसे डॉक्टर्स एमबीबीएस में इंटर्नशिप करते हैं, या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो भी आर्टिकलशिप करते हैं, जो आईटीआई करते हैं वो भी अप्रेंटिसशिप करते हैं. तो एक इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए ऑन द जॉब ट्रेनिंग. तो अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है तो बहुत ईजी हो जाता है कि वो अपने इन हाउस हॉस्पिटल में ही आपको इंटर्नशिप करवा पाएंगे. तो ये दो तीन तरीके हैं जहाँ जो बच्चा देख करके इन प्रोग्राम को कर सकता है. अब आता है लर्निंग रिसोर्सेज कि यूनिवर्सिटी के पास CMSAD से रिलेटेड फैकल्टीज़ कैसी हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं है. CMS and ED के साथ साथ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में और क्या वैल्यू एडिड सर्विसेज करवा रही है, वैल्यू एडिड प्रोग्राम्स क्या करवा रही है जिससे कि नॉलेज और स्किल्स और ऐड हो. मैंने सुना है, मैंने देखता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से इन प्रोग्राम्स को करवा रही है कि वो इस CMS ED में ही एक कॉन्टीन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी करवाती रहती है, सेमिनार्स और वेबिनार्स करवाती रहती है डॉक्टर्स को बुला करके. अब आप देखिए, कनेक्ट देखिए, डॉक्टर्स को बुला के जो मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी उनके पास तो इनहाउस डॉक्टर्स हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है. तो वही मैं स्टूडेंट्स को बोला कि एक तो UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी बेहतर है कि अगर वो यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो. तीसरा, उनके रिसोर्सेज क्या है लर्निंग के लिए कि वो आपको कितना कितना बेहतर नॉलेज और स्किल्स आप में डेवलप कर पाएगी. तो ये कुछ तरीके हैं राइट यूनिवर्सिटीज़ को देख ढूंढने के. हाँ जी सर, अभी आपने इंटर्नशिप की बात करी, सो इधर ही से मेरा एक स्टूडेंट्स का ही एक क्वेश्चन है कि जब वो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर ही रहे हैं और वो एक वैलिड डिग्री या डिप्लोमा ले रहे हैं उसमें, तो उन्हें इंटर्नशिप करने की क्या. देखिए, हर एक प्रोग्राम का एक नॉमेनक्लेचर होता है. इंटर्नशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है. इंटर्नशिप मैंने जैसे बताया कि इंटर्नशिप इज़ नथिंग बट इट इज़ ए ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमेशा होती है किसी मेंटोरशिप में, कोई ना कोई आपको सुपरवाइज कर रहा होता है. और ये आप देखोगे सारे सीरियस जो प्रोग्राम है, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, सभी में इंटर्नशिप है. आप इंटर्नशिप नॉर्मल प्रोग्राम्स में नहीं देखोगे. फॉर एग्जाम्पल BA, BCOM, BBA, MBA, इनमें इंटर्नशिप नहीं होती है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी जो सीखा जब आप अप्लाई करोगे तो गलत कर दिया तो कुछ नुकसान नहीं होगा. बट जितने भी प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हैं, टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका डॉक्टरेट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, प्रोफेशनल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ गलत कर देता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट सब खराब हो जाएगा. इंजीनियर किसी मशीन के साथ गलत कर देता है तो प्रोडक्ट आउटपुट जो है ख़राब हो जाएगा. डॉक्टर कुछ गलत कर देता है तो मैंने पहले बताया कि बहुत कुछ खराब हो जाएगा. सिमिलरली CMS and ED एक बहुत ही सीरियस प्रोग्राम है जहाँ पे आप बेसिक उपचार देते हो. तो जब आप 6 महीने की इंटर्नशिप करते हो तो जो जो गलतियाँ आप कर सकते हो ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो वो आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही कर लेते हो और एक सुपरवाइजर और मेंटोर आपको ठीक करवाता है उनको, सो दैट जब आप ग्राउंड्स पे जाओ, पेशेंट्स से आप मिलो, तो आप कम से कम गलती ना करो. तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप इन सच प्रोग्राम्स. सो इंटर्नशिप करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए. यस यस. और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, इसमें फायदा ही है. फायदा कि आप किसी एक सुपरवाइजर के मेंटोरशिप में आप प्रैक्टिकल चीज़ों को सीख रहे हो. जो मतलब आपने क्लासरूम में सीखा वो आपको अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, वो भी किसी की देख रेख में. बिल्कुल. यस सर, इसके साथ एक क्वेश्चन था मेरा कि ये प्रोग्राम तो सही है बट कोई भी प्रोग्राम हो या कुछ भी हमें करना हो, हमारी चीज़ जो भी हम कुछ करें वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए. हाँ जी. एंड आई कैन सी कि इसका प्रोग्राम का ना जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हाई है, ऐसा क्यों? देखिए, ये प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की फीसेस डिसाइड होती है. और जब भी कोई यूनिवर्सिटी जितना एजुकेशन का एलिमेंट किसी प्रोग्राम में ज़्यादा डालती चली जाएगी, फैकल्टीज़ की क्वालिफिकेशंस या फैकल्टीज़ की क्वालिटी को बढ़ाता चली जाएगी, अपने लैब्स को, इक्विपमेंट्स को बहुत अच्छा करती चली जाएगी, तो इनका इम्पैक्ट आएगा कहाँ? ऑब्वियसली इनकी फ़ीस पे आएगा. अच्छे फैकल्टी यानी कि अच्छी उनकी सैलरी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अच्छी इन पे इन्वेस्टमेंट और उनकी मेंटेनेंस, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ से आएगा? फीस पे आएगा, बायर पे आएगा. तो दैट इज़ द रीज़न कि इनकी फ़ीस थोड़ी सी और बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है. ये प्रोग्राम अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग ड्यूरेशन में भी करवाती है. मैंने देखा
18 महीने से लेके 2 साल यानी कि 3 सेमेस्टर से लेके 4 सेमेस्टर, तो बहुत ज़्यादा कोई फ़ीस है नहीं। मैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस को जानता हूँ, तो 60,000 रुपये से लेकर के 80-90,000 रुपये तक की फ़ीस है 2 साल के प्रोग्राम की, विच आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा है आज के दौर में। आज के दौर में ये ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं जो आपने हमने अभी डिस्कस करा है, NGO, सोसाइटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, तो वहाँ ये प्रोग्राम्स हमें कम फीस स्ट्रक्चर पे मिल जाते हैं। एंड अगर हम यूनिवर्सिटी से करें तो थोड़ा देखिए, मैं वेट ही कर रहा था कि स्टूडेंट्स आज बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है। मैंने बताया कि भाई NGO से ना करो, ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम बताया होगा और स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं था। आज सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल फ़ोन पे है। तो है क्या कि एक तो आप ही ने बताया कि इन NGO सोसाइटीज़ में फ़ीस बहुत कम है, तो ये एक ईजनेस क्रिएट करती है, आसानी कि कम फीस में कुछ हो जाएगा। सेकेंडली, ये और भी बहुत आसानियाँ पैदा करते हैं इस तरीके के NGO सोसाइटीज़। आसानी से मेरा कहने का मतलब है, ना कोई क्लासरूम में जाना, ना कोई एग्ज़ाम देना, ना कोई इंटर्नशिप का झगड़ा, और फीस भी कम, और आप पैसे दो और सर्टिफिकेट लेकर के आ जाओ। तो दिस इज़ द रीज़न ये बच्चे इन इंस्टीट्यूशंस के ट्रैप में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, कि इतने सारे तो आसानियाँ ये क्रिएट कर देते हैं। और स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को कभी मालूम होता भी है और कई बार मालूम नहीं भी होता है। तो स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखना है कि जित आसानी के पीछे ना भागे, जेन्युइनिटी के पीछे जाएं, वही आपकी नॉलेज और स्किल को सेफगार्ड करेगा। और जिस पर्पस के लिए आप ये डिग्री ले रहे हो, बेसिक उपचार देने के लिए, उसमें और आपकी बढ़ोतरी करेगा। सो मतलब आपको कम फीस पे नहीं जाना, आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जाना है, और आगे जाके आप इस चीज़ को वैलिड कर सकें। मतलब ये वैलिड हो, ऐसा ना हो कि कोई आके आपको रोक दे कि नहीं है तो वैलिड ही नहीं था, आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, टाइम भी बर्बाद होगा। बिल्कुल, राइट सर। बिल्कुल सर, ये CMO क्या है इसमें? CMO का क्या रोल है, क्या करते हैं? ओके। CMO एक गवर्नमेंट पोस्ट है, दे आर डिप्लॉयड बाय द गवर्नमेंट, एंड CMO इज चीफ मेडिकल ऑफिसर। और खास इनको एक पर्टिकुलर एरिया इनको असाइन किया जाता है, और जब मैं एरिया बोलता हूँ तो ज़्यादातर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट होते हैं। कुछ ही डिस्ट्रिक्ट जो बहुत बड़े हैं तो उन डिस्ट्रिक्टों को 4 जोन में या 2 जोन में बांट करके अलग अलग CMO को असाइन कर दिया जाता है। तो आपने बोला कि इनका क्या रोल होता है, तो CMO एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जो एरिया असाइंड है उस एरिया में स्वास्थ्य सेवाएँ को दुरुस्त रखना। और इनकी भी स्टार्टिंग उपचार वाला नहीं, इनकी स्टार्टिंग कोचिंग एजुकेशन से भी होती है। आपने देखा होगा कि दीवारों पे बहुत जगह लिखा हुआ होता है कि कूलरों को साफ रखें, मच्छरों को भगाएं, गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें। तो ये सब CMO के ही काम होते हैं कि पब्लिक को एजुकेट करते रहना। एंड इन दी और हॉस्पिटल स्तर पे और रूरल क्षेत्र में गांव के स्तर पे कैंप लगाते रहना, कभी आँखों के लिए, कभी श्वास की बीमारी के लिए। तो ये CMO के काम होते हैं। और सर, मैंने सुना है कई बार न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आया है कि CMOs एंड पुलिस वगैरह ने हरास करा है जो ये जो स्टूडेंट्स हैं CMS। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल ये तो इनका रोल ही है, दिस इज़ देयर प्राइमरी ड्यूटी टू चेक। हाँ, देखिए अपना देश बहुत बड़ा है और इट इज़ ए मैटर ऑफ समवन्स लाइफ। तो CMO और पुलिस साथ में मिलकर के इन 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 सेंटर्स पे या इन बच्चों को, इसको रेड कह लो या एक एग्जामिनिंग कह लो, एग्जामिन करते रहते हैं कि क्या ये जेन्युइन तो है या नहीं है, ये प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेकर के उपचार कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चला रहे हैं या ये वैसे ही चला रहे हैं। तो ये CMO का, इनका ही काम है इसको दुरुस्त करना, इसको देखते रहना। अब आपने कहा कि रेड करते हैं और हैरेस करते हैं जी। अब हैरेसमेंट उन्हीं की होती है जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं होती,
यानी कि जिनके पास प्रॉपर CMS एंड ED का सर्टिफिकेशन डिप्लोमा नहीं होता है। आपने बोला कि जिनके पास CMS ED नहीं है उनका बंद हो जाता है, बट ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, हाँ जी हाँ जी, कॉल करते हैं कि हमारे पास है CMS ED का बट स्टिल हमारा सेंटर बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने पहले भी कवर किया। तो CMO का बेसिकली यही रोल है पूजा, कि दो तीन चीज़ें चेक करना। पहला कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाकर के उपचार कर रहा है वो क्वालिफाइड है या नहीं है। अब आपका क्वेश्चन कि इवन आफ्टर क्वालिफाइड CMO या पुलिस तंग कर रही है जी। अब ये स्टूडेंट्स को समझना ज़रूरी है कि वो CMS एंड ED का डिप्लोमा जो उन्होंने किया है वो एक तो कहाँ से किया है और कैसे किया है। अगर उन्होंने इस डिप्लोमा को, अगेन बोलता हूँ कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया, NGO से किया, सोसाइटी से किया, तो भैया ये वैलिड नहीं है। CMO आएंगे और आपको नॉट ओनली हैरेस, आपके सेंटर को बंद करके जाएंगे, पुलिस आपको तंग करेगी। बट यदि अगर आपने प्रोग्राम को किसी यूनिवर्सिटी से किया है और सही तरीके से किया है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ सही तरीके से किया है, सही तरीके का मतलब है आपने क्लासेस अटेंड करी, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने इंटर्नशिप करी, आपने प्रोजेक्ट सबमिट किए, तो एक तो आपको कोई आपको तंग नहीं कर सकता है। देखिए क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को इनकरेक्ट तरीके से खरीद के ले आते हो तो वो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और कभी CMO आपके सामने खड़ा हो जाएगा, पुलिस खड़ी हो जाएगी, तो आपका वो कॉन्फिडेंस ब्रेक कर जाएगा, इवन आपके पास अगर सही जगह से भी होगा तो। बट अगर आपने सही इंस्टीट्यूशन से प्रोग्राम किया है, आपका डिप्लोमा जेन्युइन है, आपने ट्रेनिंग करी है, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस आप में आएगा। और साथ में आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो है ही, जो साफ साफ कहता है कि भाई डिप्लोमा होल्डर्स प्राथमिक उपचार दे सकते हैं और दवाइयाँ, इसेंशियल ड्रग्स, जरूरी औषधियाँ प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है राइट डिप्लोमा की, राइट नॉलेज की, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई तंग कर सकता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि इवन आफ्टर हैविंग दिस सर्टिफिकेशन डॉक्टर CMO तंग करते हैं, तो आई एम श्योर ये वो लोगों को तंग बोल करते हैं जिन्होंने पास डिप्लोमास या तो उन्होंने सिर्फ जा कर के खरीद लिए, वो भी कहाँ से खरीदे, ये जो आप बोलते हैं NGO, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सोसाइटीज, एब्सोल्युटली ये वैलिड नहीं है। आपके पास जो कागज आएगा वो एक नकली नोट की तरह होगा, ठीक है सर। जो ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, CMS ED के स्टूडेंट्स जो भी हैं, उन्हें कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवाना पड़ता है इससे? देखिए हाँ, अब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, हमसे भी कई बार पूछा स्टूडेंट्स ने या कुछ लोगों ने कि इनका रजिस्ट्रेशन होता है क्या, जैसे कि MBBS डॉक्टर्स का होता है और प्रोफेशंस में होता है, लॉयर्स में होता है, फिजियोथेरेपिस्ट्स में होता है, तो क्या इनका भी होता है क्या? मैंने जिक्र किया आपने अपने इसी सेशन में कि 2003 का जो ऑर्डर था, उससे पहले भी जो ऑर्डर था उसमें काफ़ी चीज़ें कही गई थी, और उसमें एक यह भी कहा गया था कि स्टेट्स एक मेडिकल रजिस्टर मेंटेन करें जिसमें इन स्टूडेंट्स को रजिस्टर करें और इनको एक नो ऑब्जेक्शन या कुछ भी सर्टिफिकेट दें, सो दैट जो भी आपने बोला कि तंग करते हैं CMO आके, पुलिस तंग करती है, तो वो भी सब ख़त्म हो जाएगा अगर कुछ इनके पास सॉर्ट ऑफ लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस आ जाए। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उस ऑर्डर का आज तक। तो आपका क्वेश्चन होता है क्या रजिस्ट्रेशन, अभी तक तो कोई प्रोविजन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और CMO के पास होता है क्या, तो क्यों आता है CMO, क्यों आता है बीच में? क्योंकि कई स्टूडेंट्स CMS एंड ED प्रोग्राम करके अलग अलग स्तर पे कोर्ट में पहुँचे, उन्होंने कहा कि देखिए उल्लंघन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद भी हमारा रजिस्ट्रेशन कहीं हो ही नहीं रहा है। तो कोर्ट ने फिर CMO को रेफ़र किया कि भैया इसको संज्ञान में लो, इसको देखो। तो CMO बोलते हैं भाई कि मिनिस्ट्री से हमको कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं है जहां हम इनको रजिस्टर करें। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि आज को तो कोई प्रोविज़न नहीं है CMS एंड ED स्टूडेंट्स को कहीं रजिस्टर करने का, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को रजिस्टर करने का। लेकिन
इन द एब्सेंस ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन आपका जो एक प्रोटेक्शन है आप हेल्थ वर्कर्स का जो एक सेफगार्ड है, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि राइट यूनिवर्सिटी विद द राइट सिस्टम, आपने यदि अगर प्रोग्राम किया है तो आपको कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, चाहे वो CMO से, चाहे वो पुलिस से, और चाहे वो क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ओके सर, मतलब आप मुझे CMA CD और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, सारी चीज़ें एकदम समझ में आ गई हैं। ओके, बट स्टिल छोटे छोटे डाउट्स हैं, जैसे कि ये डी फार्मा और CMA CD में क्या डिफरेंस है? देखिए, बोथ आर द डिफरेंट प्रोग्राम्स। डी फार्मा में स्टूडेंट जो है वो बाय एंड लार्ज फार्माकोलॉजी पढ़ता है, दवाइयाँ और ड्रग्स ह्यूमन बॉडी पे कैसे काम करती है, कौन कौन से सॉल्ट्स केमिकल्स के मिश्रण से क्या दवाइयाँ बनती है क्या। और CMS and ED का स्टूडेंट भी पढ़ता है फार्माकोलॉजी, लेकिन बहुत छोटा पोर्शन होता है उसका। क्यों? क्योंकि CMS and ED का स्टूडेंट केवल इसेंशियल ड्रग को प्रैक्टिस कर रहा है, और डी फार्मा का स्टूडेंट वो दुनिया जान की सारी दवाइयों को हैंडल करेगा और वो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे उसको डिस्पेंस करेगा डी फार्मा करने वाला स्टूडेंट। तो दोनों प्रोग्राम डिफरेंट है। तो डी फार्मा करके जो है स्टूडेंट डी फार्मेसिस्ट बनता है। आप केमिस्ट की शॉप पे जाते हो तो जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के दवाइयाँ देते हैं वो एक्चुअली में डी फार्मेसिस्ट होते हैं। और जो ये CMS and ED हमने समझ ही लिया कि वॉट इज, तो बोथ द प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। और सर ये CMS और CMS ED, ये भी दोनों अलग अलग चीज़ें? नहीं, ये दोनों अलग भी कह सकते हैं और एक भी। जो है मैंने आपको बताया कि पहले कोर्ट के आदेश से पहले ये केवल डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेडिसिन होता था, या फिर इसको ऐसे भी बोलते थे कि डिप्लोमा ऑफ मेडिसिन फॉर कम्युनिटी, या कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज भी बोलते थे जो आप कह रहे हैं CMS। और CMS and ED कब हुआ? जब 2003 में दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करने का भी अधिकार इनको मिल गया, तो एक्सटेंशन हुआ। बेसिकली जो आप बोल रही हो कि अंतर क्या है CMS और CMS and ED में, तो अंतर कुछ नहीं है, केवल एक्सटेंशन हुआ इस प्रोग्राम का जब दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करने का अधिकार मिला, तो उसके बाद कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग्स हो गया ये। तो दिस इज वही मैंने कहा कि अंतर है भी और नहीं भी। ओके, और सर अगर मैं ये प्रोग्राम करती हूँ तो मैं ये कैसे पता लगाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें भी हैं उसमें, कहीं अब मैंने किसी गलत इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कर लिया, तो जो सर्टिफिकेट होगा वो फेक है या रियल है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, ये आप जब एज ए स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करते हो तो पहले तो आपको यूनिवर्सिटी को ही देखना है कि वेदर इट इज़ अप्रूव्ड बाई द UGC और नॉट, नंबर वन, क्योंकि एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ही आपको एक जेन्युइन सर्टिफिकेशन दे सकती है, जेन्युइन डिग्री या डिप्लोमा अवार्ड कर सकती है। और जब एक कैंडिडेट किसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लेके आता है तो वो एक उसमें कॉन्फिडेंस होता है ओरिजिनलिटी का, बट जब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से खरीद के लाता है तो ना तो वो कॉन्फिडेंस होता है और असली और उसके नकली होने के चांसेस ही ज़्यादा होते हैं। तो जो राइट तरीका है इसको जानने का, तो मैं यही बोलता हूँ कि सही जगह से करें और सही तरीके से करें, तो वहाँ से आपको ओरिजिनल डिप्लोमा, सही डिप्लोमा ही अवार्ड होगा। और ये सर जो इसका ऐसे जो कोर्सेज होते हैं इसके रिलेटेड रेगुलेटरी काउंसिल, उसके बारे में बताइए सर क्या है? कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स फिलहाल किसी भी काउंसिल के अंतर्गत नहीं आता है, तो कम्प्लीटली यूनिवर्सिटी को अधिकार है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को चलाने का। और आखिर में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है स्टूडेंट्स के लिए? अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं CMS and ED करने के बाद, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सबसे जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन स्टूडेंट्स के लिए वो कम्युनिटी को सर्व करने की है, और ख़ास तौर पे ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज की बहुत कमी है, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो उनके पास ये है। बाकी ये बच्चे एक असिस्टेंट हेल्थ फिजिशियन बन सकते हैं, असिस्टेंट फार्मेसिस्ट बन सकते हैं केमिस्ट शॉप पे, बिकॉज दवाइयों को इन्होंने पढ़ा है, दवाइयों को ये जानते हैं,
एनी अपॉर्चुनिटी विच कम्स इन ए मेडिकल फील्ड दे कैन बी, मतलब ये लोग वहाँ फिट हो सकते हैं. यस सो सर, इसी के साथ ये टॉपिक तो ख़त्म होता है एंड ये काफ़ी रेयर टॉपिक था. हाँ जी. और बहुत ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिन पर क्लैरिटी नहीं है. यस. स्टूडेंट्स हमेशा कन्फ्यूज ही रहते हैं और ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी होते हैं. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. सो आई थिंक हमने एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स की, आज सॉल्व करी है. एंड आई जस्ट होप कि आगे भी हम ऐसे ही करते रहें. sure. स्टूडेंट्स को हमेशा उनके कि स्टूडेंट्स को मैं किसी भी तरीके से उनके डाउट्स या उनको क्लैरिटी दे पाऊँ. और कॉलेज विद्या के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, आप कभी भी जो भी आपके सवाल हैं आप यहाँ पे भेजिए. एंड आई एम श्योर ये या तो खुद ही जवाब देने में आप सक्षम हैं, नहीं तो ये हमसे या किसी से भी जवाब लेकर के आपको जरूर देंगे. थैंक यू. थैंक यू.